जेएनवी के प्रिंसिपल, जेएनवी का पूरा स्टाफ यहाँ के उपस्थित साथ साथ आए और जो रीजनल गेम्स में प्रतिभाग करने आगरा, हरिद्वार, वाराणसी, लखनऊ क्लस्टर्स के जो लोग आए हैं, सर्वप्रथम तो मैं जो बाहर से आए हैं उन सभी का अपने जनपद चित्रपुर में स्वागत करता हूँ। और देखिए, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय की नींव रखी गई थी, भारत सरकार ने इसकी नींव इसलिए रखी थी कि विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड से लोग आए, विभिन्न आर्थिक रूप भूमि से आए, विभिन्न क्षेत्रीय जगह से आए और सब सारे छात्र छात्रा जो एक फॉर्मेशन एज होती है पर्सनैलिटी की, उसमें सभी लोग मिलजुल के रहे और एक कम्प्लीटली रेसिडेंशियल स्कूल इसको चलाया जाए और जो ये इंटरेक्शन होता है अलग अलग प्रकार के आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों से या अलग क्षेत्रों के लोगों से, उससे एक पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, इसलिए स्कूल चलाया गया। और मुझे जान के बहुत खुशी है, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय बता रहे थे अभी कि अभी पूरे भारत में कल 600 से ज़्यादा ये इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। आप लोगों के ऊपर, जैसा अभी सीडियो मैडम बता रही थी कि आप लोगों की फॉर्मेशन एज है, आगे ज़िंदगी में क्या होना है, क्या आप बनेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाएं, आर्ट में जाएं, लिटरेचर में जाएं, सिविल सर्विस में जाएं, साइंस में जाएं, किसी भी फील्ड में, ये बहुत कुछ अभी डिपेंड करता है कि अभी आपका एटीट्यूड क्या है। अभी जैसे यहाँ पे शपथ ले रहे थे, तो वही शपथ मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में भी यूज़ करें, सिर्फ गेम्स में यूज़ ना करें, जीवन में भी यूज़ करें कि कठिन परिश्रम और ये डेडिकेशन आप देंगे तो ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, आप लोग बहुत देर से खड़े हैं धूप में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं बस आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे खेलकूद में कर रहे हैं, पढ़ाई में कर रहे हैं और भी किसी फील्ड में कर रहे हैं, उसको मन लगा के करें। अभी बहुत ही फॉर्मेटिव समय है और ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समय कभी वापस लौट के नहीं आएगा। यदि इस समय आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपके जीवन में एक मेहनत के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे ज़िंदगी में अचीव करना है, तो हमेशा काम देगा। यही बात कहते हुए आपके आगे के जीवन के लिए और आपके आगे जो भी आपके टास्क रहे उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेस, मेरी शुभकामनाओं के साथ। फिर हमारे जिला अधिकारी महोदय और विशिष्ट अतिथि सीडीओ मैम, ये पूरा विद्यालय परिवार जो भारत का भविष्य भी हमारे पीछे भी है, साइड में भी है, वो आप दोनों का इस विद्यालय परिसर में बहुत बहुत स्वागत करता है और अभिनंदन करता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस रीजनल गेम में टोटल 4 क्लस्टर भाग ले रहे हैं। 4 क्लस्टर से बास्केटबॉल में 24 स्टूडेंट हर क्लस्टर से आए हैं, टोटल 96 स्टूडेंट हैं। और टेबल टेनिस का भी रीजनल दिया गया है, उसमें टोटल 24 स्टूडेंट्स हैं। सर, हमारे बच्चे बहुत ही बेकरारी से इंतजार कर रहे थे कि सर और मैम आएंगे तो हम लोग देख भी लेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और वास्तव में आज का दिन हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है, हर्ष का दिन भी है। तो एक बार मैं बोलूंगा हर्ष हर्ष, आप सभी बोलेंगे जय हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष, हर्ष हर्ष। अब चूंकि सर